अगर आप भी आज कुछ मीठा खाने का सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए बिना मेहनत के बिल्कुल कम सामान में बनने वाली ऐसी मिठाई की रेसिपी लाई हूँ कि जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इसे आप एक हफ्ते तक फ्रिज में भी रख के स्टोर कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देर के स्वाद की तो चलो शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 12 से 15 बादाम लिए और 12 से 15 ही हमने यहाँ पे काजू लिए हैं। तो हम ये एक मिक्सर जार में इनको डाल देंगे, काजू और बादाम को हम इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पे आधा कप शुगर ली है। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते तो इसमें एक चम्मच या दो चम्मच शुगर बढ़ा सकते हैं, और कम खाना पसंद करते हैं शुगर तो इसे कम भी कर सकते हैं। हम इसी जार में इस शुगर को भी डाल देंगे। यहाँ पे एक कप से थोड़ा सा ज्यादा घर का बना हुआ पनीर लिया है। आप यहाँ पे मार्केट का पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पनीर को हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया है, अब हम इसी जार में डाल देंगे। इसमें सारा पनीर डाल दिया और हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमें इसे पीसते टाइम कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और पनीर को एक साथ मिक्स किया। आप यहाँ पे चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को पहले भी ग्राइंड करके इसमें मिला सकते हैं, तो ये और आसान हो जाएगा। जो इसे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हैं ना वो भी मैश हो जाएंगे, इसलिए हमने इसे स्पून से थोड़ा सा मैश कर दिया। अब हम इसको पीस लेंगे। हमने यहाँ पे इसको अच्छे से पीस लिया और देखिए कितना अच्छा सा इसका पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच घी। कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डाल दे रहे हैं और इसे हम मेल्ट होने देंगे। कढ़ाई में अच्छे से मेल्ट होगी तो हमने जो पेस्ट बना के रखा था ना, हम इस पेस्ट को इसी कढ़ाई में डाल देंगे। सारा पेस्ट इस कढ़ाई में डाल दिया। हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे और इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखेंगे और थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल क्रीमी सा लिक्विडी हो जाएगा। अभी हल्का ये और गर्म होगा तो हल्का सा ये लिक्विडी हो जाएगा। ड्राई फ्रूट को कट करके नहीं डाला तो इसमें एक आध सजे ड्राई फ्रूट्स भी आ गए हैं, ये पिसे नहीं है। तो आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, आप ड्राई फ्रूट्स को कट करके डालिए तो वो अच्छे से इसमें पिस जाएंगे, या फिर भिगो के डालिए तो ये अच्छे से पिसेंगे। और हम इसको लगातार चलाएंगे, इसे कढ़ाई में डाल के हम इसे छोड़ेंगे नहीं, और चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। अभी इसको चलाते हुए लगभग 2 मिनट हुए और 2 मिनट में देखिए कि अभी थोड़ा मिक्सर आपको बहुत लिक्विडी सा लग रहा है, और थोड़ी देर में ही ये एकदम से टाइट हो जाएगा। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये टाइट होने लगेगा। अब ये मिक्सर हल्का सा थिक हो गया तो हम यहाँ पे डालेंगे 3 चम्मच कोकोनट। हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है तो हम इसमें 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। कोकोनट डालने से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमें चलाते हुए इसको लगा हुआ यहाँ पे 2 मिनट हो गए और इसमें सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली मिठाई है और ये देखिए पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है। जब ये हमें इसे तब तक पकाना जब तक ये पैन को छोड़ने ना लगे। डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद देखिए तुरंत इसका टेक्सचर चेंज हो गया, हल्का सा ये थिक हो गया है। अगर आपको नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट डालना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है ना उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट में मैं डालूं इसमें 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का टेस्ट एकदम ही अलग लेवल पे पहुंच जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आप किसी भी मिठाई में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और ये पहले से देखिए कितना थिक हो गया है और ये मिठाई बहुत ही फटाफट बन जाती है, बिल्कुल कम मेहनत में और बहुत ही शानदार मिठाई आप बना के तैयार कर लेंगे। इसको मैं लगातार चलाते जा रहा हूँ। हमारा मिक्सर देखिए यहाँ पे इकट्ठा होने लगा है। हम इस पर स्पैटुला डाले तो ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है यहाँ पे। तो हम इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे गैस को बंद और इसको हम ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मिक्सचर को रेस्ट करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गई है तो हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। ये मिक्सचर पहले से ठंडा हो गया। अब हम यहाँ पे आपको एक जरूरी चीज बता रही, आप मिक्सचर से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इसकी हल्की सी गोली बनाइए। अभी देखिए हमने इसको गोली बनाई तो ये बिल्कुल गोल बन रही है और देखो ये हाथ में बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही है, बिल्कुल क्लियर बन रही है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा यहाँ पे हाथ में चिपक रहा है, गीला लग रहा है आपको, तो आप इसे 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे चला के इसको सही कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, अगर गीला है तो आप इसको थोड़ा सा चला सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, ये बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रही। तो हम यहाँ पे इसको एक बोल में निकाल लेंगे। हम इसको बोल में निकाल ले रहे हैं।
ये मिक्सर पहले से हल्का सा ठंडा हो गया तो हम इसके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। हम इसके छोटे छोटे से गोले बना के तैयार कर लेंगे, फिर हम एक साथ पेड़े बना लेंगे। आप छोटे बड़े आपको जैसे पसंद हो आप उस साइज के पेड़े बना के तैयार कर सकते हैं। पहले हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, फिर हम पेड़े बना लेंगे। हम इसको हल्का सा गोल बना लेंगे, पहले हल्का सा हम इसको सेंटर में दबा देंगे तो इससे एक अच्छा सा शेप आ जाएगा। गोल करने के बाद हल्का सा दबाएंगे इसको, देखिए कितना अच्छा इसका शेप आया है। इसी तरह हम सारे बना के तैयार करते जाएंगे। कितना सुंदर सा पेड़ा बनके रेडी हो गया है, और इसे बनाने में बहुत मेहनत भी नहीं लगती और बहुत जल्दी बन जाते। कभी आप फास्ट वगैरह रखते हैं तो आप इस तरह से पेड़े बना के खा सकते हैं। कभी कुछ ज्यादा बनाने का मन नहीं, मेहनत करने का, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। जी फ्रेंड, जो हमने मिक्सर बनाया तो उस मिक्सर में इतने सारे पेड़े बनके रेडी हो गए हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप खोया बना के पेड़े बनाएंगे तो उसमें काफी टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से पेड़े बनाइए, बहुत ही अच्छे पेड़े बना के आप तैयार करेंगे। और इसे आप अपने घर पे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, बड़े साइज का बर्तन लिया है और हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच कोकोनट, और जो हमने पेड़े बना के रखे हैं ना ये सारे हम इसी में ऐसे करके डाल देंगे एक करके। तो इससे होगा क्या, ये अच्छे से कोकोनट इसके ऊपर कोट हो जाएगा तो ये देखने में और भी शानदार लगेंगे। तो इसमें हम ये धीरे धीरे करके ऐसे डाल देंगे। हमने सारे पेड़े इसमें डाल दिए हैं। अब हम इनको हल्का सा ऐसे से टैप कर लेंगे और इनको थोड़ा सा इसमें ऐसे पलट लेंगे हाथ से। तो ये क्या होगा कि देखिए कितने अच्छे से ऊपर से दोनों तार चढ़ी अच्छे से कोट हो रहे हैं कोकोनट में। ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह हम सारे पेड़े कोट करके तैयार कर लेंगे। जी फ्रेंड, हमने यहाँ पे सारे पेड़े डेसिकेटेड कोकोनट में कोट कर लिए हैं। अब हम कर लेते हैं इनको एक प्लेट में सर्व। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट ली और इसको सर्व कर लिया। ये देखने में इतने शानदार लग रहे हैं कि कोई आपको देख के ये नहीं बता पाएगा कि आपने इसको बिना मावा से बनाया है। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है, फटाफट बन जाते हैं। अगर कोई बिगनर्स है तो वो भी इन्हें आसानी से बना लेगा, क्योंकि इसमें इसको बनाने में बिल्कुल चाशनी का झंझट नहीं है कि चाशनी बनानी है तो फिर कितना कितने तार की चाशनी बनाए, क्या करना है, वो सब इसमें कुछ नहीं है। बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप मेरी रेसिपी को एक बार अपने घर पर ट्राई जरूर कीजिए, और अगर ट्राई करने के बाद आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वो एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना ही सॉफ्ट बना है ये, देखिए कितना इजीली टूट जा रहा है। मैं तो अपने घर में इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।